मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत दलपतपुर में भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड के प्रबंध निदेशक चेतन जोशी और कृषि एवं सहकार मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से गेहूं बीज भंडार का उद्घाटन किया। बीज भंडार संचालक मुस्तफा ने बताया कि ज्योति पथ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर भारतीय सहकार समिति लिमिटेड द्वारा किसानों को उचित दाम पर प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पर किसानों को उन्नत किस्म का गेहूं बीज मिलेगा। इस अवसर पर मौजूद किसान को संबोधित करते हुए कृषि एवं सहकार मंत्रालय निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत में लगभग 47% किसान ही प्रमाणिक बीज का बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। शेष किसान घरेलू बीज का प्रयोग करते हैं, जिससे उन बीज के उत्पादन मात्रा कम रहती है या फिर बीज का अंकुरित न होने से किसान को भारी क्षति उठानी पड़ती है। BSSL ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुसंधान द्वारा प्रमाणित कर उन्नत बीज का प्रबंध किया। इस अवसर पर सदस्य किसानों को बीज का वितरण किया गया। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने भारत के फूड ग्रेन की आवश्यकता को बल देने के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का निर्माण किया है। भारत अपनी 2.5% खेती योग्य जमीन के आधार पर विश्व की 18% जनसंख्या का पेट भरने के लिए उसको ज़रूरत है कि देश के किसान गुणवत्तापूर्ण बीज का इस्तेमाल करें। अभी एक डेटा के अनुसार देश का केवल 47% किसान गुणवत्तापूर्ण बीज का इस्तेमाल करता है, बाकी 53% किसान अपने बचाए हुए बीज से करता है। तो भारतीय बीज सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी और उनको समय पे गुणवत्तापूर्ण बीज उचित दाम पे उपलब्ध करवाएगी। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड भारत बीज नाम से अपने बीजों को का विपणन करेगी और देश के छोटे छोटे किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से उसी लोकेलिटी में इसका उत्पादन भी करवाएगी और उसका विपणन भी करेगी तमाम विपणन चैनल के माध्यम से। तो इनका उद्देश्य यही है कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बीज के इस्तेमाल से फसल की जो उत्पादन है 15-20% तक बढ़ती है। तो इससे जो है किसानों को लाभ होएगा, उनकी आमदनी में इजाफा होएगा और देश का अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि भारत बीज इसीलिए मार्केट में लाया गया सहकारी समितियों के माध्यम से कि प्रमाणित बीज की प्रमाणिकता ही संदिग्ध हुआ करती थी। इससे किसान जो है बहुत ही हतोत्साहित होता था कि मैं प्रमाणित बीज लेके आया या गुणवत्तापूर्ण बीज लेके आया हूँ, उसके बाद भी हमारे बीज अंकुरित नहीं हुए या हमारी पैदावार नहीं बढ़ी। तो भारत बीज इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा कि जो भी बीज वो बाज़ार में उतारे उसकी जो प्रजनक बीज से लेके फाउंडेशन बीज, फाउंडेशन से लेके जो गुणवत्तापूर्ण बीज है उसका पूरा लाइन वो रिकॉर्डेड हो, जिसकी ट्रेसबिलिटी ट्रेस किया जा सके कि हाँ इस प्रजनक बीज से ये सर्टिफाइड बीज उत्पादित हुआ है। तो जब ये डेटा मेंटेन किया जाएगा तो ऐसी संभावना नगण्य के बराबर होगी कि बीज लगाया गया और वो अंकुरित नहीं हुआ। देखिए, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की जो परिकल्पना है वो ये है कि किसानों को उचित दर पे उच्च गुणवत्ता का बीज मुहैया कराया जाए, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है और ये कई तथ्यों से प्रमाणित भी हो चुका है कि अभी केवल 47% किसानों को देश में प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता का बीज उत्पादन के लिए मिल रहा है, 53% एरिया में नहीं मिल रहा है। तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की परिकल्पना इसी गैप को पूरा करने के लिए करी गई है, उसी पथ पर हम अग्रसर हैं। उच्च क्वालिटी के प्रमाणित बीज जिनकी ट्रेसेबिलिटी ब्रीडर सीड से लेकर के सर्टिफाइड सीड तक है, वही हमारा उद्देश्य है। उसी क्रम में भारत बीज ने इस साल गेहूं का बीज लॉन्च किया है, जो यहाँ पे ज्योतिपत मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने उपलब्ध कराया है। और चूंकि ये हमारी पहली रिटेल सेल है कोऑपरेटिव के माध्यम से, तो इसलिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं किसानों को संबोधित करने के लिए और इसका लॉन्च करने के लिए। किसानों को सर यहाँ से किस तरीके से जोड़ा जाएगा, मतलब कोई भी किसान आकर
कोई भी किसान आकर के परचेज कर सकता है, लेकिन सहकारिता का सिद्धांत ये है कि जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके साथ जुड़े हुए किसान हैं, उनके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनका उनका लाभ हो। लेकिन चूंकि ये एक तरीके से आप मान करके चलिए शॉप किसान यहाँ से आए, बीज खरीदें और लाभान्वित हो। किसानों के लिए सर कोई खास संदेश ताकि उनका किसानों के लिए एक ही संदेश है कि आप गुणवत्ता का बीज लगाएं, उच्च गुणवत्ता का बीज लगाएं, और सर्टिफिकेशन के नाम पे जो थोड़ा सा अभी आज के दिन में कई तरीके की भ्रांतियाँ हैं उसको पूर्ण सुनिश्चित करें। आप ये सुनिश्चित करें कि सर्टिफाइड सीड जो आपको मिल रहा है वो पूर्ण रूप से ट्रेसेबल है, ब्रीडर सीड से उसकी ट्रेसेबल, तभी आप उस बीज को